अंतर्राष्ट्रीय एथलीट कृष्णा कुमारी पूनिया ने राजस्थान के सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर जीत दर्ज करा के एक नई पारी की शुरुआत की है। हरियाणा के हिसार जिले में जन्मी पली कृष्णा कुमारी का विवाह राजस्थान के चुरू जिले के राजगढ़ कस्बे के नरिंदर सिंह से हुआ था। हिसार और चुरू जिले हरियाणा राजस्थान सीमा पर स्थित है। हेमर थ्रो में राष्ट्रीय चैंपियन रहे नरिंदर सिंह शादी से पहले कृष्णा कुमारी के कोच थे। कृष्णा कुमारी अपनी राजनीतिक सफलता का पूरा श्रेय भी अपने पति नरिंदर सिंह को ही देती है। कृष्णा कुमारी पूनिया ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2013 के चुनाव से की थी, लेकिन वह बहुजन समाज पार्टी के मनोज न्यांगली से हार गई थी। इस बार कृष्णा कुमारी ने मनोज न्यांगली को ही 18,000 मतों से हराकर हिसाब बराबर कर लिया है। कृष्णा कुमारी को 70,000 वोट मिले हैं। सादुलपुर से कृष्णा कुमारी से चुनाव हारने वालों में भाजपा के कद्दावर नेता राम सिंह कस्वा भी शामिल हैं। चुरू से 4 बार सांसद रहे राम सिंह कस्वा इस चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे हैं। राम सिंह के पुत्र राहुल कस्वा वर्तमान में चुरू से सांसद हैं। कृष्णा कुमारी ने 2010 की नई दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। 52 वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में किसी ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली कृष्णा कुमारी पहली भारतीय थी। उन्होंने 61.51 मीटर की दूरी पर थ्रो कर स्वर्ण पदक हासिल किया था। 2012 के लंदन ओलंपिक में छठे स्थान पर रही थी कृष्णा कुमारी। लंदन में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5वीं कोशिश में 63.62 मीटर था। 36 वर्ष की कृष्णा कुमारी पूनिया को भारत सरकार से अर्जुन अवार्ड और पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है। कृष्णा कुमारी पूनिया राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली सफलता का श्रेय राहुल गांधी के नेतृत्व को देती है। कृष्णा कुमारी रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा को धन्यवाद भी देती है। दीपेंद्र हुड्डा ने कृष्णा कुमारी के पक्ष में प्रचार करने के लिए काफी समय दिया था। राजनीति में अपनी सफलता के लिए कृष्णा कुमारी अपने पति नरेंद्र सिंह पूनिया के अडिग सहयोग को भी जिम्मेदार बताती है। कृष्णा कुमारी ने रेलवे की नौकरी छोड़कर राजनीति की दुनिया में कदम रखा है। कृष्णा कुमारी का कहना है कि उनका राजनीति में आने का मकसद ग्रामीण इलाकों के लोगों की मुश्किलें कम करना है। वह राजस्थान में खेलों की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहती है। कृष्णा कुमारी एथलीट को दौड़ने के लिए सिंथेटिक ट्रैक की सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। वह खिलाड़ियों को अच्छी रिहायशी व्यवस्था देने के भी हक में है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।